शुरुआत करते हैं इंडिया द बिग स्टोरी की। यूपी में कांग्रेस दम दिखाएगी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में शामिल न होने के बाद कांग्रेस ने स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है। रविवार को पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम नबी आजाद, प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर समेत प्रदेश के शीर्ष नेताओं ने बैठक की। इस दौरान गुलाम नबी आजाद ने यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। साथ ही गुलाम नबी आजाद ने कहा कि नतीजे चौंकाने वाले होंगे। समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के दरवाजे बंद होने के बाद कांग्रेस हरकत में आई। शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर और पार्टी के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने लखनऊ में मंथन कर पार्टी के लिए रणनीति बनाई। फिर आज लोकसभा चुनाव में यूपी की रणनीति पर विचार करने के लिए वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं से राय मशवरा किया गया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगे की रणनीति साफ की। इस दौरान गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हम कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरी शक्ति से उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारी तैयारी पूरी है, नतीजे चौंकाने वाले होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी दल बीजेपी को हराना चाहते हैं कांग्रेस में उनका स्वागत है। इस महीने के अंत तक गठबंधन के बारे में पता चल जाएगा। जहां तक यूपी के इलेक्शन का सवाल और पूरे देश के इलेक्शन का सवाल, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरी शक्ति से के साथ अपनी विचारधारा जो आजादी से पहले थी, गांधी जी के समय से लेकर आज तक जिस विचारधारा का हम पालन करते रहे हैं, उस विचारधारा का पालन करते हुए हम ये इलेक्शन लोकसभा में डट के लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को पराजय देंगे। और जहां तक चल रहा है, कई राज्यों में हमारी बातचीत चल रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस महीने के अंत तक आपको मालूम पड़ेगा कि गठबंधन की कई पार्टियां। दूसरा, समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी गठबंधन को ठगबंधन करार देते हुए उन्होंने कहा कि जिनके बीच औपचारिक अभिवादन भी नहीं था, आज साथ साथ हैं। वहीं माया के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दलित वर्ग को उसका हक दिलाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने केवल दलितों को बल्कि ओबीसी और अन्य धर्म के लोगों को भी उनका हक दिलाने का काम किया। हमने ये नहीं टूटा तोड़ा। उत्तर प्रदेश की और राष्ट्र की जनता को भी ये मानना चाहे, हमने ये गठबंधन नहीं तोड़ा। हम चाहते थे कि गठबंधन इसमें ज्यादा से ज्यादा आ जाए। मैंने शुरू में कहा था कि हमने कहा था कि जो भी पार्टी मेरे पिछले 6 महीने में तकरीबन 15 बाइट से यहां और दिल्ली में कि जो भी बीजेपी को हराना चाहता है वो हम उसके साथ चलने के लिए तैयार है, अगर वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं। लेकिन इस गठबंधन का हिस्सा बने, अब अगर कोई हमको साथ लेके नहीं चलना चाहते हैं तो हम किसी को जबरदस्ती नहीं करते। सुनो, हमने ये गठबंधन थी और रायबरेली का वो पहले भी नहीं लड़ते थे। तो जहां तक अभी हमें मालूम नहीं कि मायावती जी इलेक्शन लड़ेंगी कि नहीं, हमें मालूम नहीं अखिलेश जी अभी विधानसभा में एमएलसी हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं, तो अभी तो हमें कोई पता नहीं, जब उस वक्त देखी जाएगी। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहता हूं कि ये स्टेट की लड़ाई नहीं, न तो ये महाराष्ट्र की विधानसभा की लड़ाई है, न ये मध्य प्रदेश और कर्नाटक की या बंगाल की या किसी या जम्मू कश्मीर की लड़ाई है, ये पार्लियामेंट की लड़ाई है, दिल्ली की लड़ाई है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा 2014 में जब से बीजेपी पार्टी सत्ता में आई है तब से गीत गा रही है कि कांग्रेसियों ने 70 साल में क्या किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक इतिहास है जिसमें बुजुर्गों और महिलाओं ने देश के लिए कुर्बानियां दी। मोदी किसी टुकड़े के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि उस देश के प्रधानमंत्री है जिसे कांग्रेस पार्टी ने एक सूत्र में प्रो कर रखा है। गौरतलब है कि कांग्रेस को कल घोषित समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया। हालांकि राहुल गांधी की अमेठी सीट और सोनिया गांधी की रायबरेली सीट छोड़ दी जाए, पहले कयास लगाए जा रहे थे कि विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मायावती को भी साथ लेकर चुनावी रण में उतरेंगे। लेकिन महागठबंधन की सुगबुगाहट के बीच बबुआ ने कांग्रेस से हाथ छुड़ा लिया और अब अकेले 80 सीटों पर कांग्रेस चुनावी दम भरेगी।
अब देखना होगा कि अकेले चौंकाने का दावा करने वाली कांग्रेस जनता को कैसे चौंकाएगी। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद से सोशल मीडिया में चर्चाएं तेज हो गई हैं। अखिलेश यादव ने कहा उनकी और मायावती के गठबंधन के बाद बीजेपी डरी हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि कई बीजेपी के कार्यकर्ता उनके संपर्क में हैं जो बीजेपी छोड़कर सपा बसपा के साथ आना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने अपने ट्वीट में बीजेपी पर हमला करते हुए लिखा कि हमारे गठबंधन के बाद बीजेपी का बोझ चकनाचूर हो गया, अब बीजेपी के लोग सपा बसपा में शामिल होना चाहते हैं। ऐसे में निराश हताश भाजपा नेता कार्यकर्ता अस्तित्व को बचाने के लिए अब बसपा सपा में शामिल होने के लिए बेचैन है। शनिवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर गठबंधन का ऐलान किया था, जिसमें दोनों पार्टियों की 38-38 सीटों पर लड़ने की सहमति बनी थी। हम समाजवादी हैं और समाजवादियों की ये विशेषता होती है कि वो दुख और सुख दोनों में बराबर के हिस्सेदार होते हैं, इसलिए हमें इस रिश्ते को मजबूती के साथ और आगे बढ़ाना है। अखिलेश यादव ने बीएसपी से गठबंधन करते हुए कहा कि बीजेपी दलितों, वंचितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ शोषण करती आ रही है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में एसपी और बीएसपी को एक साथ आना पड़ा। वहीं अखिलेश ने कहा कि दोनों पार्टियों की एकजुटता भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देगी और निर्णायक साबित होगी। धर्म की याद में देश और समाज में नफरत का जहर घोलने वाली भाजपा की कूटनीति का विनाश करने के लिए और भाजपा के अत्याचारों से आम जनता को मुक्ति दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एकजुट होने का निर्णय लिया है। आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सीटों पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में जुबानी जंग तेज हो चुकी है। बीजेपी, कांग्रेस और सपा बसपा का गठबंधन एक दूसरे पर जमकर सियासी तीर चला रहे हैं, मगर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगामी लोकसभा चुनाव का कौन किंग होगा। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। यूपी में हुए गठबंधन और कांग्रेस की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से बात की हमारे सहयोगी ललित नारायण कांगपाल ने। मेरे साथ केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, कल घोषणा हुई गठबंधन की, आज गुलाम नबी आजाद साहब कह रहे हैं कि सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वो नहीं लड़े, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है, सपा लड़े, बसपा लड़े, कांग्रेस, ये तीनों एक हैं, इनका एक ही लक्ष्य है मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनने से रोकना, भाजपा की सरकार न बनने पाए इससे रोकना, लेकिन इनका यह मंसूबा चकनाचूर कर देगी उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता। कल प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कहा कि चौकीदार अपना काम करता रहेगा, उसको लेकर आज राहुल गांधी कह उसी को लेकर आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये कैसा चौकीदार है जो इस तरह की बातें कह रहा है, और अभी भी ये तो शुरुआत है एक तरह से, अगर अभी नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागे। देखिए, इस राहुल गांधी जी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि राहुल गांधी जी मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करो, अगर ऐसे शब्द प्रयोग करोगे तो देश की जनता उसका हिसाब चुकता करेगी और मोदी जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, यह मैं जरूर कह करके जा रहा हूँ। और श्री राहुल गांधी जी पानी से निकली मछली की तरह सत्ता के बिना तड़प रहे हैं, कांग्रेस तड़प रही है और इनकी तड़पन अब समाप्त होने वाली नहीं है। कमल ही खिलेगा, भाजपा ही जीतेगी, मोदी जी ही फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि भाजपा का संगठन और जनता का आशीर्वाद ये दोनों हमारे पास। अखिलेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी कहती है मेरा बूथ सबसे मजबूत, लेकिन गठबंधन के बाद मेरा बूथ सबसे कमजोर वाली स्थिति। श्री मैंने कहा ना, श्री अखिलेश यादव जी बुआ जी के साथ मिलकर के मुंगेरी लाल के सपने देखें और चुनाव परिणाम आने के बाद आप से मैं कह करके जा रहा हूं, जब लोकसभा के चुनाव होंगे वोटों की गिनती होगी और जब सपा और बसपा दोनों को मतलब जीरो मिलेगा तो उसके बाद ये फिर कहेंगे कि सपा ने बसपा को वोट नहीं दिया, बसपा के लोगों ने सपा को वोट नहीं दिया। इस प्रकार के अभी से अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर लें और जब तक चुनाव परिणाम नहीं आते तब तक मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहें। भाजपा का कार्यकर्ता जो कहा है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, वह मजबूती इसलिए है कि जनता हमारे साथ है, जनता सपा बसपा के साथ है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि कोई कितना भी दम लगा ले, बीजेपी के लिए भले ये सब लोग एक हो जाएं, लेकिन बीजेपी को हराना इनके बस की बात नहीं है। कैमरा पर्सन विद्याधर बारिक के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।
मिशन 2019 के लिए बीजेपी भी तैयार है। 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर रविवार को बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी की पहली बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि इस बार के संकल्प पत्र को तैयार करने से पहले 15 सब कमेटियां बनाई जाएंगी, जिसमें समाज के लगभग हर क्षेत्र की अगुवाई होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर भले ही चुनाव आयोग की रणभेरी न बजी हो, लेकिन बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने इसी कड़ी में रविवार को संकल्प पत्र समिति की बैठक बुलाई। इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और राजनाथ सिंह ने की। इस बैठक में 20 राज्यों में से 11 सदस्य हैं, जिसमें रामलाल, सुशील मोदी, राम माधव, केशव प्रसाद मौर्य, मीनाक्षी लेखी, मुख्तार अब्बास नकवी समेत अन्य नेता मौजूद रहे। लगभग 2 घंटे चली इन बैठक में वैसे तो कई मुद्दों पर बात हुई, लेकिन मोटे तौर पर फैसला लिया गया कि संकल्प पत्र के मुद्दों पर अंतिम रूप देने से पहले इसमें सभी क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए समितियां बनाई जाए, जिससे उनके क्षेत्र की बात सामने आए। वैसे आज ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो संकल्प पत्र तैयार करने के लिए जो कमेटी बनाई है, आज उस कमेटी की यहाँ पहली बैठक थी और कमेटी को किस रूप में आगे अपना कार्य प्रारंभ करना उसके संबंध में चर्चा हुई है। और साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया है कि 15 ऐसी छोटी छोटी कमेटीज भी बनेंगी जो कि समाज के जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जो भागीदार हैं, उनके साथ जाकर वो सीधा संवाद स्थापित करेंगी कि अगली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मोदी जी के नेतृत्व में क्या क्या हमको करना चाहिए, इस संबंध में उनके सुझाव लेंगे और उसी आधार पर संकल्प पत्र तैयार होगा। ऐसे दौर में जब कांग्रेस भी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है और ऐसे में बीजेपी अपनी मैनिफेस्टो में हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना चाहती है, विशेष तौर पर स्टूडेंट, किसान, स्वास्थ्य, रोजगार और सर्विसेज जैसे प्रमुख क्षेत्र हैं, तो वहीं दूसरी ओर राम मंदिर को संवैधानिक तरीके से हल करने की बात करने वाले बीजेपी, जब इसे लेकर सवाल पूछा गया तो उनका क्या कहना था, ये आप खुद ही सुनिए। मैंने कहा समाज के जितने भी भागीदार हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें युवा है, किसान है, महिला है, वेतनभोगी कर्मचारी है, मजदूर है, मैंने कोई भी समाज जीवन का क्षेत्र छूटेगा नहीं जिस क्षेत्र के रहने वाले लोगों के साथ संवाद स्थापित न किया जाए। अब देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जारी होने वाले घोषणा पत्र में इस बार क्या मुद्दे सामने होते हैं। कैमरा पर्सन विद्या के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में खूंखार आतंकवादी जीनतुल इस्लाम सहित 2 आतंकवादी मारे गए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इलाके में आतंकवादियों की सूचना मिलने के बाद सेना ने घेराबंदी की। जैसे ही जवानों ने तलाशी अभियान चलाया तभी आतंकवादियों की ओर से उन पर फायरिंग की गई। धरती का जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर को आतंकियों और पाकिस्तानी घुसपैठियों ने नर्क बना दिया है। आतंकी आए दिन सेना और स्थानीय लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। इसी को लेकर भारतीय सेना ने कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चलाया हुआ है। इसी ऑपरेशन के तहत सेना को कुलगांव में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली। फिर क्या था, सेना ने चपाक से आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। जैसे ही सेना ने आगे की कार्रवाई शुरू की वैसे ही घात लगाए बैठे आतंकियों ने सेना पर फायरिंग शुरू कर दी। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 खूंखार आतंकियों को मार गिराया। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत की गई कार्रवाई को लेकर अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा बल जब इलाके की तलाशी ले रहे थे तभी आतंकियों की तरफ से उन पर फायरिंग शुरू कर दी गई। नियम के मुताबिक आतंकियों को सरेंडर करने का मौका भी दिया गया था, लेकिन आतंकियों ने फायरिंग जारी रखी। आखिरकार सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए। आतंकियों की पहचान जीनतुल इस्लाम और शकील अहमद डार के तौर पर हुई है। जीनतुल इस्लाम को 2016 में मारे गए हिजबुल कमांडर बुरहान वानी का साथी बताया जा रहा है। मारे गए दोनों आतंकियों के पास से सेना ने बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए। गौरतलब है कि घाटी में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के चलाए गए ऑपरेशन ऑल आउट के तहत साल 2018 में सुरक्षा बलों ने 262 आतंकियों को ढेर किया था। वहीं बताया जा रहा है कि आज भी 300 से ज्यादा आतंकी घाटी में सक्रिय हैं। इसके खिलाफ सुरक्षा एजेंसियां लगातार ऑपरेशन ऑल आउट चला रही हैं। साथ ही सुरक्षा एजेंसियां अब भी घाटी में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों को पनाह दिए जाने की तस्दीक कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु गोविंद सिंह की 352वीं जयंती के अवसर पर रविवार को एक
स्मारक सिक्का जारी किया। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती लोहड़ी के दिन मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्रियों के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के जयंती पर उन्हें याद किया। साथियों, आज गुरु गोविंद सिंह महाराज का प्रकाश पर्व देश मना रहा है। खालसा पंथ के मानवता के पालनहार, भारतीय मूल्यों के लिए समर्पित गुरु गोविंद सिंह जी को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव पर्व पर आप सभी साथियों के साथ साथ देश और दुनिया भर में सिख पंथ से जुड़े और भारतीय संस्कृति के लिए समर्पित सभी जनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु गोविंद सिंह की याद में स्मारक सिक्का जारी किया। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौजूद रहे। गुरु गोविंद सिंह की याद में स्मारक सिक्का जारी करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी का सिक्का सैकड़ों सालों से हमारे दिल पर चल रहा है। साथियों, पिछला वर्ष हमने गुरु गोविंद सिंह महाराज के 350वीं जन्म जयंती वर्ष के रूप में मनाया था। सिख पंथ के इस महत्वपूर्ण अवसर को और यादगार बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से मुझे एक 350 रुपए का स्मृति सिक्का देशवासियों को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। वैसे तो गुरु गोविंद सिंह जी का सिक्का हम लोगों के दिलों पर सैकड़ों सालों से चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ के जरिए पूरे देश को जोड़ने की कोशिश की। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी का काव्य भारतीय संस्कृति के ताने बाने और हमारे जीवन की सरल अभिव्यक्ति है। साथियों, आज के इस पवित्र दिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दिखाए 11 सूत्रीय मार्ग पर चलने का फिर से संकल्प लेने की जरूरत है। आज जब भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित होने की राह पर चल पड़ा है, तब भारत की भावना को और सशक्त करने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि हम सभी गुरु जी के बताए मार्ग से नए भारत के अपने संकल्प को और मजबूत करेंगे। एक बार फिर आप सभी को प्रकाश पर्व की बधाई। आपके लिए नया साल ढेरों खुशियां लेकर के आए, इसी कामना के साथ जो बोले सो निहाल। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने करतारपुर कॉरिडोर का जिक्र करते हुए कहा, करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से सिख श्रद्धालु गुरु नानक देव जी की 150वीं जयंती पर पाकिस्तान के नारोवाल में स्थित दरबार साहिब के लिए वीजा मुक्त तीर्थ यात्रा कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगस्त 1947 में जो चूक हुई थी ये उसका प्रायश्चित है। गुरु का सबसे महत्वपूर्ण स्थल सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर था, लेकिन उसे भी अपने साथ नहीं लिया गया। ये कॉरिडोर उस नुकसान को कम करने का प्रमाणित परिणाम है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने 5 जनवरी 2017 को पटना में गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती समारोह में शामिल होने पर उन्हें याद करते हुए एक डाक टिकट जारी किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 30 दिसंबर को अपने मासिक रेडियो संबोधन मन की बात में भी गुरु गोविंद सिंह जी को याद किया था और उनकी वीरता, त्याग और भक्ति की सराहना भी की थी। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। चलिए पहाड़ों का रुख कर लेते हैं, जहां पर इलाके में हो रही बर्फबारी से लोगों को राहत भी है और जो सैलानी है वो आनंद ले रहे हैं, लेकिन लोग जो है स्थानीय लोग उन्हें काफी दिक्कतें हो रही हैं। मौसम वैज्ञानिक ने मैदानी इलाकों में पारा 3 डिग्री तक आने की संभावना जाहिर की है। पहाड़ी इलाकों हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी से समूचे उत्तर भारत में एक बार फिर ठंड ने लोगों को कपकपा दिया है। मौसम विभाग ने अभी और बर्फबारी का अनुमान जताया है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के चलते हवाई और जमीनी संपर्क कट गया है। इस दौरान कई उड़ानें भी रद्द कर दी गई। लगातार हो रही बर्फबारी के चलते ऊपरी इलाकों में हिमस्खलन का खतरा बढ़ गया है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो लेह का न्यूनतम तापमान -11.9 डिग्री सेल्सियस रहा,
वहीं कारगिल में -16.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश के मनाली और कुल्लू वैली में जमकर बर्फबारी हुई। भारी बर्फबारी के चलते चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ की सफेद चादर ही देखने को मिल रही है। यहाँ का नजारा देखते ही बन रहा है। वहीं किन्नौर, कुल्लू और मनाली में भारी बर्फबारी के चलते कई मार्ग बंद हो गए और सैलानी बीच रास्ते में ही फंस गए हैं। वहीं चंबा इलाके में बर्फबारी के कारण करीब एक दर्जन सड़कें बंद हैं। प्रशासन ने बर्फ को हटाने का काम शुरू कर दिया है और जल्द ही इन रास्तों को आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। प्रशासन ने सैलानियों को खतरनाक जगहों पर न जाने के साफ निर्देश दे दिए हैं। पहाड़ी राज्यों में सर्दी के समय जाने वाले सैलानी इस उम्मीद में रहते हैं कि कब बर्फबारी हो। बर्फबारी होते ही उनके चेहरों पर चमक आ जाती है। ऐसे में इस बार का मौसम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जाने वाले सैलानियों के लिए बहुत आनंददायी और खुशनुमा बना हुआ है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने शनिवार को एक परिवार एक नौकरी नाम की योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनके परिवार से एक भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं। सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने एक ऐसी योजना की शुरुआत की है जिसके तहत प्रदेश के हर परिवार में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। चामलिंग ने शनिवार को एक परिवार एक नौकरी नाम की इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनके परिवार से एक भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है। साथ ही चामलिंग ने कृषि क्षेत्र के लोगों के लोन माफी की घोषणा भी की। चामलिंग ने पलजोर स्टेडियम में आयोजित रोजगार मेला 2019 के दौरान इस योजना का शुभारंभ किया। साथ ही चामलिंग ने राज्य के 32 विधानसभा क्षेत्रों से दो दो लोगों को खुद अस्थायी नियुक्ति पत्र भी दिया। इस दौरान कुल 11,772 लोगों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए। इससे पहले सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार ने इस योजना के तहत 20,000 युवाओं को तुरंत अस्थायी नौकरी देने की घोषणा की थी और अब उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं। वहीं चामलिंग का कहना है कि जल्दी बाकी परिवारों के सदस्यों को भी दस्तावेज दे दिए जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इन अस्थायी नियुक्तियों को अगले 5 साल में नियमित कर दिया जाएगा। चामलिंग आजाद भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले शख्स हैं। इससे पहले सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार ने इस योजना के तहत 20,000 युवाओं को अस्थायी नौकरी देने की घोषणा की थी और अब उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दे दिए गए। वहीं सीएम के इस कदम के बाद प्रदेश में खुशी की लहर है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।